जो वीडियो आपने अभी देखा वो सीरिया जैसे किसी सिविल वॉर में फंसे देश की नहीं है, ये वीडियो है फ्रांस की और फ्रांस के शहर पेरिस की। जिस शहर को प्यार का प्रतीक माना जाता है, यहाँ पर लगातार 3 रातों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे हैं थिंक बियॉन्ड। पिछले 3 दिनों से लगातार फ्रांस में बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहाँ पर अभी तक फ्रांस 600 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और 200 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इसमें जख्मी भी हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसका मेन रीजन बताया जा रहा है क्योंकि फ्रांस की पुलिस ने एक नॉर्थ अफ्रीकन लड़के को मार दिया है। बताया जा रहा है इस लड़के का नाम निहाल है, वो एक नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट का है और फ्रांस में रहकर वो ड्राइविंग करता है। और 4 दिन पहले जब वो ड्राइविंग कर रहा था, तब एक नॉर्मल चेकअप के दौरान फ्रांस के किसी पुलिस ऑफिसर ने उससे उसके पेपर्स मांगे और अचानक से किसी रीजन की वजह से उसने उसको वहीं पे मार दिया। और इसके बाद पूरे फ्रांस में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। अभी तक फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग 150 से ऊपर प्रोटेस्ट फ्रांस के ओवरऑल सिटीज में हो चुके हैं। ना तो पेरिस बचा है, ना ही पेरिस के आसपास के शहर। ये खबर तेजी से आज की तरह पूरे फ्रांस में फैल चुकी है और हर कोई इस समय लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि ये एक रेसिज्म का मुद्दा है। काले लोगों पर अत्याचार यूरोपियन यूनियन में लगातार कई समय से बढ़ता जा रहा है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजा बोर्न ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भी थे। कुछ समय पहले इमैनुअल मैक्रों ब्रुसेल्स में एक इम्पोर्टेंट EU समिट के लिए गए थे, लेकिन कंट्री में हो रहे थे प्रोटेस्ट को देखकर उन्होंने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और फ्रांस में वापस आ गए। पूरे पेरिस के अंदर अब तक 40,000 से ऊपर पुलिस वाले तैनात कर दिए जा चुके हैं। खबरों की माने तो प्रोटेस्टर्स फायर वर्क के साथ पुलिस पर हमला कर रहे हैं। कई गाड़ियों को आग लगाया जा चुका है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए और पुलिस लगातार टीयर गैस और वाटर कैनन से उनका सामना कर रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि 600 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 200 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों लगातार लोगों को शांत होने के लिए कह रहे हैं, जबकि निहाल की फैमिली ने यह साफ कर दिया है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको मारा है वह उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी करेंगे और जिस ऑफिसर ने उसको मारा है उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ हो रही है। दुनिया भर के काफी सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पर अपना शोक प्रकट किया है और यह लगातार तेजी से आपकी तरफ फैलता जा रहा है। प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने तक की सोच रही है। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अब तक नेटेनियन सिटी के पास देखे गए, जो कि पेरिस के पास ही पड़ता है। वहां पर तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने एक साथ मिल करके प्रोटेस्ट किए थे। हालांकि पूरी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि फ्रांस में सिचुएशन काम हो जाए। अब यह देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट कितनी जल्दी सहन कर पाता है। लेकिन सवाल अब भी एक ही है कि यूरोपियन यूनियन में जो लगातार रेसिज्म बढ़ता जा रहा है, जो कलर को लेकर के वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, वो आखिर कब खत्म होगा। तो अपनी राय कमेंट से जरूर लिखकर बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन तो जरूर से दबाएं। थैंक यू।